कुदरत का कमाल देखी। चातुर्मास परिवर्तन के समय की बात है। बाहुबली पार्ट 1 और 2 मूवी के डायरेक्टर SS राजमौली के सगे बहन विशाखापट्टनम में रहते हैं। उनकी आंटी दोसा नामक होटल विशाखापट्टनम में बहुत प्रसिद्ध है। ये बहन अपने नौकरों के बच्चे को खुद के पैसों से बड़ी बड़ी स्कूल्स में पढ़ाते हैं, वो स्कूल्स में जिसमें उनके खुद के बच्चे पढ़ते हैं। वो बहन उन बच्चों को फ्री में ट्यूशन भी देते हैं। जैन भाग्यशाली राजेश भाई के फ्लैट के सामने ही वो आंटी दोसा वाले आंटी का फ्लैट था। राजेश भाई ने कहा कि आंटी दोसा को नाश्ते का ऑर्डर दे देते हैं, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, हम जैसे उन्हें कहेंगे वो वैसे ही जयनापूर्वक सब बना देंगे। आखिर श्याम भाई के घर पर चातुर्मास परिवर्तन के लिए 250 लोगों के नाश्ते का ऑर्डर आंटी डोसा वाली आंटी को दिया गया। सब प्रोग्राम पूरा हो जाने के बाद जब आंटी को नाश्ते का बिल देने के लिए बुला गया तो आंटी ने साफ मना कर दिया। वे बोले ये लाभ मेरा है। फिर तो उन्हें मारे साहब के पास लाया गया। मारे साहब ने भी समझाया कि आप खर्चा ले लीजिए, लेकिन हाथ जोड़कर सर झुकाकर हंसते हंसते आंटी एक ही बात दोहराते रहे कि नहीं, ये लाभ मेरा ही है। वो बहन तेलुगु है, हिंदी नहीं जानते हैं। महान डायरेक्टर राजमौली जी की सगी बहन होने के बावजूद भी वे कभी अपनी उस पहचान की यूज़ नहीं करते हैं। खुददारी से जीना और दूसरों की मदद करना, ये उनका मकसद है। जब मारे साहब ने राजेश भाई के घर पर पगलिया किए थे, तब बराबर सामने रहे हुए ये आंटी के घर पर भी पगलिए किए थे। मारे साहब ने जैसे ही उनके घर में प्रवेश किया वैसे ही वो आंटी रो पड़े। उनके चेहरे पर खुशी ही खुशी झलक रही थी। मारे साहब ने आंसुओं का कारण पूछा तो उन्होंने कहा पता नहीं, बस इतनी खुशी हो रही है कि आंसू अपने आप बह रहे हैं। श्याम भाई को नाश्ते का खर्च भी नहीं करना पड़ा। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि क्या श्याम भाई गरीब आदमी है, उनके पास इतना खर्च करने की भी शक्ति नहीं है। लेकिन माफ कीजिएगा, इस चीज़ का जवाब अभी हम आपको नहीं दे सकते। बस इतना समझ लीजिए कि हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही है। एक और बात, जब ये घोषणा मारे साहब ने की कि हम श्याम भाई के घर पर चातुर्मास परिवर्तन करेंगे, तो उसके बाद कम से कम 5 जैन भाग्यशाली मारे साहब को पर्सनली मिलने आए और कहा कि मारे साहब श्याम भाई के घर का प्रसंग हमारे घर का ही प्रसंग है और उसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आप हमारा नाम उन्हें मत बताना, लेकिन फंक्शन का जितना भी खर्च हो, भले 1-2 लाख, वो लाभ हम ही को दीजिएगा, कहीं पर भी नाम नहीं चाहिए। उन भाग्यशालियों ने आगे कहा कि हम श्याम भाई को पर्सनली नहीं जानते हैं तो उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको हमारी इस बात से दुख ना हो जाए इसलिए आपको बता देते हैं। मारे साहब को जैन धनवानों की ये उदारता देखकर बहुत खुशी हुई। बिना नाम के किसी और के लिए लाखों का खर्च करने के लिए अनेक धनवान रेडी हो जाए, ये कितनी खुशी की बात है ना। So apart from that you said Chaturmas Parivartan. Yes. So you might not have much idea about it, like how to do, what preparations are to be made for a Jain monk to come home, all that. So how did you come to know about it? Like how did you arrange your entire place? Actually, I didn't take any one step for arrangements. Once announcement was done by the Guru Maharaj, Gunams Maharaj, everything done by my Jain family of Vishakhapatnam, Murti Pujak Jain Sangh, everything. Most of them came to my home and arranged everything. Economically, Ashok Gothi Bhaiya and Babi Ma Meena Gothi helped me a lot. Until they are coming to my home, I was a little bit tense how I can afford all these things. Once they visited, they lifted all my tension. So you mean like your entire, like when you're getting attached, the entire process from non-Jain to being attached to Jainism and being so much of a Jain. Mm. So was there proper and enough support from the local Jain community? I'm thinking I'm getting proper support from Murti Pujak Jain Sangh of Vishakhapatnam. They're treating me like as their own brother. That's why they came and they did everything as one of my family members. Yeah. They took the liberty to make your home as their own home. Yeah. That was fuzzled by every floor of my apartment. Everyone kept on asking how good these Jains are. like that they're telling to me. Okay. So the kindness, everything was visible there. Mostly I enjoyed a universal brotherhood from them. They are not at all connected from my blood relation or family business related. By listening the Guru Maharaj announcement, they started to visit my home and they started to clean everything and they arranged everything on their own.
Yeah, this could be seen in my home. I became guest. In my home, I became guest. They became the host. Like that only. Yeah, that can be seen. Like that people blindly follow Guru Maharaj's word. That is very obvious. I seen love, brotherhood. Yeah, obviously. Even after he said, they should have that from their own heart. That yeah, he is one of us. He is our brother. There, because of their support only, I stood in Jainism. Okay, how far was your house from the place where the monks are currently residing? It's up 4 to 5 kilometers. 4 to 5 kilometers. So, did you walk all the way with them? Yes. No. I have welcomed them middle of their route. Okay. So, 1.5 kilometer like that only. Okay, that day you were the host, so you need to be busy there. To be with, apart from that, did you ever do vihar or walking with the monks? Yes, I never. अगर आप भी इसी तरह जैन लाइफस्टाइल जीवन में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन जूम क्लासेस से जुड़कर नॉलेज ले सकते हैं। ये लाइफस्टाइल आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत रखती है। ये क्लासेस हर हफ्ते 2 बार ली जाएगी विदाउट एनी चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्लासेस स्पेशली नॉन जैन्स के लिए है, बाकी हर कोई इसमें जुड़ सकता है। जानकारी के लिए बता दें, ये क्लासेस हिंदी में होगी। जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर अपना नाम, शहर का नाम, आपकी उम्र और एड मी इन जैन लाइफस्टाइल ग्रुप ये भेजना होगा, जिसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और बाकी के अपडेट्स ग्रुप में देते रहेंगे। ये क्लासेस अप्रैल 1st वीक से शुरू हो जाएंगे।